हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीट साइंस के सेकेंड पार्ट के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कल का हमारा जो वीडियो था उसमें हमने बीट साइंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो हम बीट साइंस, बीट से रिलेटेड और हर्बिसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट माइक्रो हर्बिसाइड कौन सा है? डिवाइन, कोलेगो, बायोमल, बायपराइज। तो इनमें से जो फर्स्ट माइकोहर्बिसाइड है वो है अपना डिवाइन। ये सभी माइकोहर्बिसाइड है। डिवाइन जो है फर्स्ट माइकोहर्बिसाइड है, ये बना था 1981 में। ये जो माइकोहर्बिसाइड है इसमें लिक्विड सस्पेंस ऑफ फंगल स्पोर्स ऑफ फाइटोप्थोरा पल्मिवेरा का पाया जाता है। इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ किया जाता है एस्ट्रांगलेस्टेन वाइन नामक वीट के कंट्रोल के लिए, जो पाया जाता है सिट्रस में। तो इसका यूज़ करते हैं अपन पार्टिकुलर सिट्रस क्रॉप में, और पार्टिकुलर वीट जो है एस्ट्रांगलेस्ट वाइन जो है उसके कंट्रोल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड माइक्रोहर्बिसाइड अगर पूछा जाता है तो वो है कोलेगो, 1982 में बना था। और ये इसका जो यूज़ है ये एस्कोइनोमिन वर्जीनिया वीट को कंट्रोल करने के लिए आता है। और ये कौन सी क्रॉप में पाया जाता है? राइस और सोयाबीन में इसका यूज़ करते हैं। एक हमारा जो है वो बायोमल भी होता है। एक ये बायोपोलाइज जो है इसका यूज़ सोरगम हेल्पेंस नामक वीट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हमें जो माइकोहर्बिसाइड याद रखना है, मेन तो जो पूछा जाता है एग्जाम में वो डिवाइन और कोलेगो ही है, लेकिन पांच है हमारे जो हमें याद रखना है, डिवाइन, कोलेगो, बायोमल, बायोपोलाइज, और इसके अलावा एक और होता है ल्यूबो टू, LUBAO ल्यूबो टू। ये हमारा क्या है? माइको हर्बिसाइड है। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राउंड अप इज द ट्रेड नेम ऑफ। राउंड अप किसका ट्रेड नेम है? ये वीड है जो इनके ट्रेड नेम, मतलब जिस नाम से ये बाजार में मिलते हैं, सल्फोसल्फ्यूरन, ऑक्सीफ्लोरफेन, ग्लाइफोसेट या फिर एलाक्लोर। तो हमारा जो राउंड अप है ये किसका ट्रेड नेम है? ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट जो है ये मार्केट में राउंड अप के नाम से मिलता है। इसके अलावा हमारे जो भी हर्बिसाइड है उनके हम ट्रेड नेम देखते हैं। एलाक्लोर का ट्रेड नेम है लासो या क्रोपिस्टा, एट्राजिन का एट्राटा, ब्यूटाक्लोर का मचेटी, फ्लूक्लोरेलिन बासालिन, ग्लाइफोसेट राउंड अप, आइसोप्रोटिनोन का है रोनक और एरोलोन, इमेजिथापर का है गार्ड, मेट्रोसल्फ्यूरन को स्कार्ट के नाम से मिलता है ये, नाइट्रोफेन टोकी 25, ऑक्सीफ्लोरफेन का ट्रेड नेम है गोल, पेंटीमेथिलिन का स्टाम्प, पेराक्वाट का स्वीपोग्रामोक्जोन, प्रोपेनिल का स्टाम्प F34, पायरेजोसल्फ्यूरन साथी, सल्फोसल्फ्यूरन लीडर, 240 एमाइन साल्ट वीडर और 240 एस्टर्स वाला जो है इसका ट्रेड नेम है वीडोन। तो ये सभी क्या है? हमारे हर्बिसाइड और उनके ट्रेड नेम है। ट्रेड नेम मतलब जिस नाम से ही हमें मार्केट में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनिल ब्यूटाक्लोर हर्बिसाइड कम्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप। जो हमारा प्रोपेनिल है और ब्यूटाक्लोर है ये कौन से केमिकल ग्रुप के अंदर आते हैं? हमारे जो अलग अलग हर्बिसाइड है इनके केमिकल ग्रुप अलग अलग है, बाइपिरिडिमिलेंस, एमाइड, ट्रायजेंस, फिनाइल, यूरिएस। तो हमारे जो प्रोपेनिल और ब्यूटाक्लोर है ये आते हैं एमाइड्स के अंतर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड। हम देखते हैं कौन कौन से केमिकल ग्रुप के अंदर कौन कौन से हर्बिसाइड आते हैं। तो एमाइड्स के अंदर आते हैं अपने प्रोपेनिल, एसिटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर और एलाक्लोर। बाइपिरिडिमिल्स के अंदर आते हैं पेराकार्ट और डाइकार्ट। डाइनाइट्रोएनिलिन्स के अंदर आते हैं फ्लूक्लोरेन और पेंडीमेथिलिन। इमेडाजोलिनोन्स के अंदर आते हैं इमेजिथापर, फिनोक्सी कार्बोक्सिक एसिड के अंदर 2,4-D, 2,4-DB, MCPA और MCPB आता है। के अंदर सल्फोसल्फ्यूरन, मेटोसल्फ्यूरन, मिथाइल। ट्राइएजिन्स में आता है एट्राजिन, सीमाजिन, टेरब्यूटराइन, मेट्रीब्यूजिन। ग्लाइसिन और फास्फोनिक एसिड्स केमिकल ग्रुप के अंदर ग्लाइफोसेट और ग्लूफोसिनेट। फिनाइल यूरियस के अंदर आइसोप्रोटीन, डाइयूरोन, मोनोयूरोन। डाइफिनाइल ईथर्स में नाइट्रोफेन, ऑक्सीफ्लोरफेन, लेक्टोफेन। और थायोकार्बोमेट्स में आता है EPTC, थायोबेंथाकार्ब। ये सभी केमिकल ग्रुप है जिनमें अलग अलग हमारे हर्बिसाइड आते हैं। कुछ कुछ कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच वन इज पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड फॉर व्हीट। व्हीट के लिए कौन सा पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है? और देखो हमारे हर्बिसाइड तीन टाइप के होते हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन PPI क्या होता है कि ये हमारा जो क्रॉप है उसके अपन ने सोइंग नहीं की है, इसको सोइंग के पहले क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं।
प्री इमरजेंस मतलब कि हमने सोइंग कर दी है लेकिन हमारी जो क्रॉप है उसमें अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ है, और पोस्ट इमरजेंस मतलब क्या होता है कि जर्मिनेशन के बाद में इसको डाला जाता है, मतलब क्रॉप की सोइंग के 20 से 25 दिन बाद इसका छिड़काव किया जाता है। तो इसमें पूछा है पोस्ट इमरजेंस मतलब जो है सोइंग के जर्मिनेशन के बाद जो डाला जाता है, कौन सा है 2,4-D, मेटोसल्फिरान, सल्फोसल्फिरान या ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो 2,4-D है ये पोस्ट इमरजेंस है, ये 30-35 डे आफ्टर सोइंग इसको छिड़काव किया जाता है, और ब्रॉड लीव वीड है हमारे जो चौड़ी पत्तियाँ उनके निपटान के लिए किया जाता है। मेटोसल्फिरान ये भी पोस्ट इमरजेंस है, ये 30-35 दिन बाद इसको भी डाला जाता है, ये भी ब्रॉड लीव वीड के लिए है। सल्फोसल्फिरान ये भी पोस्ट इमरजेंस है अपने वीट में, ये 30-35 डेज आफ्टर सोइंग इसको लगाया जाता है, और ये भी ब्रॉड लीव वीट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। तीनों ही पोस्ट इमरजेंसी और तीनों ही लगभग 30-35 दिन बाद डाला जाता है, और तीनों ही चौड़ी पत्ती वाले जो वीड है उनको नष्ट करने का काम करता था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर क्रॉप क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन। इनमें से कौन सा गलत है क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन। क्रिटिकल पीरियड मतलब क्या है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वीट का अटैक होता है क्रॉप में, तो कौन सा रॉन्ग है मतलब कौन सा इसमें से नहीं है सही। राइस 15-45 डेज, व्हीट एंड बार्ले 45-60 डे आफ्टर सोइंग, मेज 15-45 डे आफ्टर सोइंग, और सोरगम 30-45 डे आफ्टर सोइंग। तो इसमें से राइस का है वो राइट है, मेज का भी राइट है 15-45, सोरगम का भी 30-45 रहता है, लेकिन व्हीट और बार्ले का गलत है। व्हीट और बार्ले का रहता है 30-45 डेज आफ्टर सोइंग। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो देखो किसके लिए कौन सा कितना क्रिटिकल टाइम रहता है क्रॉप वीट कॉम्पिटिशन का। तो मेज, ग्राउंडनट, सीसेम, जूट, सोयाबीन, राइस 15-45 डे आफ्टर सोइंग, चिकपी, लेंटिल और राजमा में रहता है 30-60 डेज, पिजन पी, सनफ्लावर, सेफ फ्लावर, कॉटन में 15-60 डे आफ्टर सोइंग, पोटेटो 15-30 डे आफ्टर सोइंग, बार्ले, व्हीट, सोरगम और पर्ल मिलेट में 30-45 डे आफ्टर सोइंग वीट का अटैक रहता है। इसके अलावा ऑनियन में 20-50 दिन बाद उसके ट्रांसप्लांटिंग, 20-50 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, शुगर केन 60-120 डे आफ्टर सोइंग, ओनियन डायरेक्टेड सीडेड 20-55 डे आफ्टर सोइंग, रेपसीड, मस्टर्ड 45-60 डे आफ्टर सोइंग, राइस 15-45 डे आफ्टर सोइंग, और जो राइस ट्रांसप्लांटेड रहेगा वो 30-45 डे आफ्टर सोइंग आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड कंजप्शन पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में पेस्टिसाइड कंजप्शन पैटर्न क्या है, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड या फिर ऑल ऑफ दिस। मतलब ये इसमें ये पूछा गया है कि हमारे इंडिया में कौन सा पेस्टिसाइड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और हर्बिसाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फिर फंजीसाइड यूज़ किया जाता है। तो ये किसका है, वर्ल्ड का, और ये है वर्ल्ड में जितना भी मतलब पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है उसका टोटल 45% तो हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ उल्टा चलता है, हमारे सबसे ज़्यादा अपन इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, जबकि इंसेक्ट्स से लॉस होता है वो कितना होता है, 20% हमारी खड़ी फील्ड में होता है, खड़ी फसल में होता है, और 7% हमारे स्टोरेज में होता है, जो भंडारण हम करते हैं वहाँ पर 7% होता है, मतलब टोटल मिला के 27% लॉस होता है। डिसीज से हमारा होता है 26% लॉस, और हमारा जो वीट है उससे होता है हमारा 33% लॉस। मतलब सबसे ज़्यादा लॉस हमारे यहाँ वीट से हो रहा है, लेकिन हम हर्बिसाइड सबसे कम यूज़ करते हैं, इसी वजह से हमारा क्या होता है, हर्बिसाइड से सबसे ज़्यादा लॉस हो जाता है हमारी यील्ड का। मतलब हम जितना भी खर्चा करते हैं ना पेड़ में, 70% खर्च वो हम क्या करते हैं, इंसेक्ट पे कर देते हैं, 12-15% जो खर्चा है वो डिसीज पे करते हैं, और सबसे ज़्यादा जिससे लॉस हो रहा है वीट से उसका हम सिर्फ 3-4% खर्चा ही उस पर करते हैं। और उसमें भी हम देखें तो हमारे जो सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ किए जाते हैं वो प्लांटेशन क्रॉप में, मतलब जैसे हमारे 75% हम देखें तो 75% हर्बिसाइड हम प्लांटेशन क्रॉप में ही यूज़ करते हैं, और प्लांटेशन क्रॉप पर भी सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है टी पर, हमारी जो चाय के बागान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम देखें कि रोडेंट के द्वारा कितना लॉस होता है, 6% लॉस जो होता है वो रोडेंट के द्वारा होता है, और वर्ल्ड में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है वो जापान में किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे यहाँ उल्टा चलता है, हमें सबसे ज़्यादा लॉस वीट के द्वारा होता है, कितना, 33%,
हम सिर्फ उस पर खर्चा करते हैं 3-4%, मतलब वेट के द्वारा लॉस हो रहा है 33%, और खर्चा सिर्फ कितना करते हैं 3-4%। तो हमारे यहाँ क्या है, इंसेक्टिसाइड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फिर फंजीसाइड का और फिर हर्बिसाइड का। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराकॉट किस टाइप का हर्बिसाइड है? नॉन सिलेक्टिव, सोइल अप्लाइड एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। पैराकॉट क्या है? नॉन सिलेक्टिव है, सोइल अप्लाइड है या कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड? सिलेक्टिव, सोइल अप्लाइड एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। नॉन सिलेक्टिव, फोलियज अप्लाइड एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। नॉन सिलेक्टिव, सोइल अप्लाइड एंड सिस्टमेटिक हर्बिसाइड। तो नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या होता है कि ये क्रॉप और वीट दोनों को ही मतलब ख़त्म कर देता है, जैसे इसका छिड़काव करते हैं, ये कोई सिलेक्टिव नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वीट को ही ख़त्म करेगा। सोइल अप्लाइड मतलब इसको मैदान में छिड़ दिया जाता है। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड मतलब होता है कि जिस पार्ट के ये कॉन्टैक्ट में आता है उसी को नुकसान करता है। सिलेक्टिव मतलब क्या है कि ये सिर्फ वीट को ही नुकसान करेगा, जिस वीट के लिए हमने स्पेसिफिक डाला है इसको, पूरी क्रॉप और पूरी फील्ड को ये ख़त्म नहीं करता है। फोलेज अप्लाइड मतलब क्या कि इसको पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। तो हमारा जो पैराकॉट है वो किस टाइप का है? तो पैराकॉट है नॉन सिलेक्टिव, मतलब ये सभी जो हमारी जितनी वेजिटेशन है उन सभी को नुकसान कर देगा, मतलब वीट को भी और क्रॉप को भी, दोनों को ही किल कर देता है। फोलेज अप्लाइड मतलब पत्तियों पर डाला जाता है, और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड मतलब जिस पार्ट के कॉन्टैक्ट में आता है सिर्फ उसी को नुकसान करता है, मतलब ये पूरे प्लांट में नहीं फैलता है। सिस्टमेटिक हर्बिसाइड मतलब क्या होता है कि अगर अपन ने सिर्फ पत्ती पर डाला तो ये पूरे प्लांट में फैल जाएगा, और कॉन्टैक्ट मतलब पत्ती पर डाला तो पत्तियों को ही नुकसान पहुँचाएगा। तो हमारा पैराकॉट किस टाइप का? नॉन सिलेक्टिव, फोलेज अप्लाइड एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइकोक्रामा बाइकोलोराटा इज़ यूज टू कंट्रोल। जो जाइकोक्रामा बाइकोलोराटा है इसका यूज़ किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? लेंटाना के, ये बायो एजेंट है, इसका यूज़ करते हैं लेंटाना कैमरा, पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस, इकोनिया क्रेसिपस या फिर ओपनसिया डीलेनी। तो जो जाइकोक्रामा बाइकोलोराटा है इसका यूज़ किया जाता है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। इसके अलावा और भी हमारे जो बायो एजेंट है वो कौन कौन से वीट को कंट्रोल करते हैं वो हम देखते हैं। क्रोसिडोसिमा लेंटाना, लेंटाना कैमरा को, ओफिमिया लेंटाना भी लेंटाना कैमरा को कंट्रोल करता है, डेक्टालोपियस टोमेंटोसस ओपनसिया डिलेनी, टेरा निकस डेजर्टम ये भी ओपनसिया डिलेनी को कंट्रोल करता है। जाइकोक्रामा बाइकोलोराटा अपन अभी देखा था पार्थिनियम हिस्ट्रेफोरस, बेक्टा वेरुटाना साइप्रस रोटुंडस, निकोटिनिया इकोनिया, इकोनिया क्रेसिपाई, स्क्लेरोटिनिया स्पीसीज ओरोबेंकिस सेरनियोई, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा इकोनिया क्रेसिपाई, टेगेटस स्पीसीज पार्थेनियम हिस्ट्रेफोरस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एलाक्लोर यूज्ड अस प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड अंडर द ट्रेड नेम। एलाक्लोर क्या है? प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्री इमर्जेंस मतलब क्या कि जो क्रॉप है उसकी सोइंग तो कर दी है लेकिन उसमें अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ, उसको अपन बोलते हैं प्री इमर्जेंस, और अंडर द ट्रेड नेम। तो इसका ट्रेड नेम क्या है? अभी अपन ने सभी जो अपने थे उनका ट्रेड नेम देखा था, मचेटी है, बासालिन, लासो या टोकी 25। तो हमारा जो एलाक्लोर है उसका अपन ने अभी देखा था ट्रेड नेम वो क्या था? लासो या फिर क्रॉप स्टार। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल मेथड ऑफ वीट कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ। जो वीट है उसको कंट्रोल करने के कल्चरल मेथड में कौन कौन सा आता है? मल्चिंग, फील्ड प्रिपरेशन, क्रॉप रोटेशन या फिर ऑल ABC। तो हमारी जो मल्चिंग है वो भी कल्चरल मेथड में हम देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। समर टिलेज जो ऑक्सीजन टिलेज होता है, सोलराइजेशन, क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग ऑफ इंटरक्रॉप्स, मल्चिंग, ब्लाइंड होइंग या स्टॉल सीड बेड प्रिपरेशन। तो सभी आ गए, इसमें मल्चिंग भी आ गया, फील्ड प्रिपरेशन भी आ गया और क्रॉप रोटेशन भी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ ABC। ये कंट्रोल मतलब वीट को कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड, जैसे कल्चर मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में अपन बायो एजेंट का यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड में अपन केमिकल्स का यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड का छिड़काव करते हैं, और कल्चरल मेथड में अपन अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं, समर टिलेज कर देंगे अपन, या क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, क्रॉप को बदल बदल के लगाते हैं, या इंटरक्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिससे वीट को कंट्रोल कर सकते हैं, मल्चिंग करते हैं मतलब कुछ घास वगैरह बिछा दी जाती है या फिर पन्नी बिछाई जाती है जिससे क्या वीट का जर्मिनेशन नहीं हो पाता, सोलराइजेशन किया जाता है, स्टॉल सीड बेड प्रिपरेशन मतलब क्या कि क्रॉप की गोइंग के पहले उसमें सिंचाई कर दी जाती है जिससे क्या होता है वीट ग्रो हो जाते हैं वापस, उसकी अपन क्या करते हैं टिलेज करते हैं जिससे अपन वीट को ख़त्म कर सकते हैं। ब्लाइंड टिलेज मतलब उसके जर्मिनेशन के पहले ही अंधी गुड़ाई करना या शुगर केन और पोटेटो में की जाती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फामेट इज़। अमोनियम सल्फामेट क्या है? पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड या ऑल ऑफ दिस। पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड मतलब क्रॉप के इमर्जेंस के
बाद में इसको छिड़काव किया जाता है। नॉन सिलेक्टिव मतलब क्रॉप और वीट सभी को खत्म कर देता है, और कॉन्टैक्ट मतलब जिस पार्ट के कॉन्टैक्ट में आता है सिर्फ उसे ही खत्म करता है। तो अमोनियम सल्फामेट पोस्ट इमरजेंस भी है, नॉन सिलेक्टिव भी है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड भी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू क्लोरेलिन इज ए विच टाइप ऑफ हर्बिसाइड। फ्लू क्लोरेलिन किस टाइप का हर्बिसाइड है? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन ने अभी बताया था कि जस्ट बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं उसके जस्ट बिफोर इसको डाला जाता है। प्री इमरजेंस मतलब 1 to 2 days आफ्टर सोइंग बट बिफोर इमरजेंस ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप की सोइंग के 1 to 2 days बाद इसको डाला जाता है लेकिन क्रॉप के इमरजेंस से पहले। और पोस्ट इमरजेंस मतलब आफ्टर इमरजेंस ऑफ क्रॉप 15 to 30 days आफ्टर सोइंग इसका यूज़ किया जाता है। अब प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है अपना फ्लू क्लोरेलिन, प्री इमरजेंस में अपने आते हैं एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, पोस्ट इमरजेंस में अपने 2,4-D आइसोप्रोटीरोन, सल्फोसल्पिनेस सभी के एग्जाम्पल है पोस्ट इमरजेंस है। हमें पूछा था फ्लू क्लोरिन, तो अपना फ्लू क्लोरिन किसका एग्जाम्पल है? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का, ये सोइंग के पहले डाला जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बिसाइड वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। हर्बिसाइड जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच या फिर इंग्लिश। तो हर्बिसाइड क्या है? हर्बिसाइड एक लेटिन वर्ड है, ये हर्बा प्लस साइडर से मिलकर बना है। हर्बा का मीनिंग होता है प्लांट और साइडर का मीनिंग होता है टू किल, मतलब जो प्लांट को किल कर दे वो क्या होता है? हर्बिसाइड। हर्बिसाइड पर क्या होगा, ये सभी जो अनवांटेड वेजिटेशन है उन सभी को नष्ट करता है, मतलब जैसे एक क्रॉप में दूसरी क्रॉप का भी उगाना या फिर अभी जो अनवांटेड वेजिटेशन है उनको किल कर देता है। मतलब उसके अंदर कभी कोई भी वेजिटेशन आ सकती है, वीड भी आ सकता है या फिर कोई अदर क्रॉप भी आ सकती है, जैसे वीट में जो अपना सोयाबीन उगता है वो भी सब हो सकता है इसमें। वीडिसाइड क्या होता है? सेफ और सेफ क्या करता है? या वीट को ही किल करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, लेटिन। तो हर्बिसाइड कैसा वर्ड है? हर्बिसाइड है लेटिन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन इज इंडिकेटर फॉर विच हर्बिसाइड। जो कॉटन है वो कौन से वीट के हर्बिसाइड के लिए इंडिकेटर है, मतलब उस हर्बिसाइड का अपन कॉटन पे गलत इफेक्ट होता है अपने को पता चल जाता है। आइसोप्रोटीरोन, 2,4-D, मेट्रीब्यूजिन, एलाक्लोर। इसका राइट आंसर है 2,4-D। 2,4-D जो है इसके वजह से क्या होता है, कॉटन में कर्लिंग हो जाती है, मतलब कॉटन की फसल पे इसका गलत इफेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। इसके अलावा और भी हम देखते हैं इंडिकेटर प्लांट्स फॉर हर्बिसाइड। एट्राजिन के लिए इंडिकेटर कौन कौन से है? कुकुम्बर, सोयाबीन, मस्टर्ड। आइसोप्रोटीरोन के लिए कुकुम्बर, बार्ले, सोरघम, मिलेट्स। एलाक्लोर के लिए कुकुम्बर। मेटेलोक्लोर के लिए राइस, सोरघम, कुकुम्बर। मेट्रीब्यूजिन के लिए मेज और सोरघम। 2,4-D के लिए कुकुम्बर, कॉटन, मस्टर्ड, टोमेटो और सोयाबीन। सल्फोनाइल यूरिया, सनफ्लावर, मेज, सोरघम, मूंग, बीन। मतलब हम ये देख सकते हैं कि इंडिकेटर मतलब क्या कि इन फसलों पे क्या होगा, ये जो केमिकल्स हैं इनका गलत इफेक्ट होता है, तो इसमें इनका छिड़काव नहीं करना। अगर गलती से इनका छिड़काव हो गया है तो अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये केमिकल डल गया था जिसकी वजह से फसल खराब हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल इस इज यूज अस। जो कॉपर सल्फेट है उसको ब्लू विट्रियोल, नीला थोता के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ करते हैं एल्गेसाइड में, हर्बिसाइड में, डीहलमिंग एजेंट में या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो कॉपर सल्फेट है उसका यूज़ किया जाता है ऑल ऑफ दिस। एल्गेसाइड क्या होता है कि एल्गेसाइड को एल्गी को नष्ट करने के लिए, हर्बिसाइड मतलब हर्बिसाइड जो अपने होते हैं उनको नष्ट करिए, और डीहलमिंग एजेंट। डीहलमिंग क्या होता है कि पोटेटो, हमारी कुछ पोटेटो वगैरह है उनमें क्या करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही उसका जो वेजिटेटिव पार्ट है उसको रिमूव करते हैं। ये किस लिए करते हैं? ताकि ग्रोथ जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाए और उसकी जो पूरी एनर्जी है वो उसके जो ट्यूबर्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लग जाए, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट ऊपर आने के बजाय पूरे ट्यूबर्स में चले जाए, जिससे ट्यूबर की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, उसको अपन बोलते हैं डीहलमिंग। तो डीहलमिंग एजेंट मतलब या तो अपन क्या करते हैं उसको वेजिटेटिव पार्ट को हटा देते हैं मैकेनिकल तरीके से, या फिर उसमें क्या करते हैं कॉपर सल्फेट का अपन छिड़काव कर देते हैं। तो ये तीनों ही रूप में यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वीडिसाइड इज जनरली यूज्ड इन पल्सेस क्रॉप। वो कौन सा वीडिसाइड है जिसका यूज़ मेनली पल्सेस क्रॉप में किया जाता है, दालों वाली फसलों में? मेट सल्फ्यूरोन, पेंडीमेथिलीन, एट्रेजिन या नाइट्रोफेन। तो हमारी दालों वाली फसलों में यूज़ किया जाता है पेंडीमेथिलीन की। पेंडीमेथिलीन एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, मतलब इमरजेंस के पहले इसको डाला जाता है और सोइंग के बाद। ये ग्रासेस को और कुछ जो अपनी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनको नष्ट करता है।
मेट सल्फ्यूरन एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है और इसका यूज किया जाता है वीट में। एट्राजिन प्री इमरजेंस और अर्ली पोस्ट इमरजेंस है। इसका यूज किया जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम वीट को कंट्रोल करने के लिए मेज में, हमारे जो मक्का उसमें यूज किया जाता है। और नाइट्रोफेन, इसका जो ट्रेड नेम है टोकी 25, ये भी प्री इमरजेंस है और इसको 2 to 3 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस में यूज किया जाता है। ट्रांसप्लांटेड राइस में ग्रासेस को कंट्रोल करने के लिए हम नाइट्रोफेन का यूज़ करते हैं। तो मेट सल्फ्यूरन अपन वीट में यूज़ करते हैं पोस्ट इमरजेंस है। एट्राजिन हम मेज में यूज़ करते हैं, ये प्री इमरजेंस या अर्ली पोस्ट इमरजेंस है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वीट को कंट्रोल करता है। पेंडीमेथिलीन हम अपने जो पल्सेस है उनमें यूज़ करते हैं, ये ग्रासेस और कुछ ब्रॉडली वीट को कंट्रोल करता है, प्री इमरजेंस है। और नाइट्रोफेन एक प्री इमरजेंस है, इसका यूज ट्रांसप्लांटेड राइस में किया जाता है 2 to 3 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और ये ग्रासेस को कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड, पेंडीमेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉन्टैक्ट नॉन सिलेक्टिव एंड 0% हर्बिसाइड इन सॉइल। इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट है, मतलब जिस पार्ट का कॉन्टैक्ट में उसी को नुकसान करेगा। नॉन सिलेक्टिव मतलब सभी, पूरी वीड क्रॉप सभी को नष्ट करता है। 0% मतलब जिसका कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है, मतलब इजीली क्या हो जाता है, डिग्रेडेड हो जाता है एप्लीकेशन के बाद में, कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है वहाँ पर, तो वो कौन सा है, पेराकॉट, एट्राजिन, फ्लूक्लोरिन या ग्लाइफोसेट। तो हमारा जो पेराकॉट है ये कॉन्टैक्ट भी है, नॉन सिलेक्टिव है और 0% है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, पेराक्वाट। एट्राजिन जो ये सिलेक्टिव है, सिस्टमेटिक है और इसमें रेसिड्यूल इफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। ग्लाइफोसेट जो है ये नॉन सिलेक्टिव है, 0% है लेकिन सिस्टमिक और ट्रांसलोकेटेड, और अपने को यहाँ पूछा था कॉन्टैक्ट। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पेराक्वाट। और फ्लूक्लोरिन अपना प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, इसको सोयल में अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड मॉर्निंग एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द हर्बिसाइड इज बेटर देन इट्स इवनिंग एप्लीकेशन। मतलब हमारे जो मोस्टली हर्बिसाइड है इनको अपन रिकमेंडेड किया जाता है कि इनको इवनिंग के टाइम पे डालते हैं। तो जनरली हम इवनिंग के टाइम पे हर्बिसाइड का छिड़काव करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि नमी जो है वो नमी बनी रहे और हर्बिसाइड का अच्छा इफेक्ट अपने को देखने मिले। लेकिन इनमें से एक ऐसा हर्बिसाइड है जिसका यूज़ अगर इवनिंग के इफेक्ट हम अगर मॉर्निंग में करते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। कौन सा है, ब्यूटाक्लोर, एलाक्लोर, ग्लाइफोसेट या पेराकॉट। तो हमारा जो पेराकॉट है वो मिड मॉर्निंग में अगर उसका यूज़ किया जाता है तो ज़्यादा इफेक्ट रहता है इवनिंग की तुलना में। बाकी सभी हर्बिसाइड को हमें कब यूज़ करना चाहिए, इवनिंग के टाइम पे छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या नमी ज़्यादा बनी रहे और वीट ज़्यादा कील हो, मतलब वो इफेक्टिव ज़्यादा हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर, पेराक्वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड होइंग विद बुलोक या ट्रैक्टर ड्रान स्पाइक टू थेरो सक्सेसफुली कंट्रोल वीट इन। ब्लाइंड होइंग जो की जाती है बुलोक से या ट्रैक्टर ड्रान स्पाइक थेरो से, वो कौन से क्रॉप में अच्छी रहती है सक्सेसफुल, पोटैटो, राइस, वीट और मेज। तो हमारी जो ब्लाइंड होइंग है वो यूज़फुल रहती है पोटैटो में। ब्लाइंड होइंग क्या होता है, अंधी गुड़ाई, मतलब क्रॉप की इमरजेंस से पहले ही उसमें क्या करते हैं, जो वीड निकल आते हैं उनको हो के द्वारा या फिर जो अपने ब्लॉक या टेक्टेटन स्पाइक टू ठेरो है उसके द्वारा क्या है, वीड को नुकसान कर देना, मतलब अंधी गुड़ाई कर देना, पूरी तरह से उसमें गुड़ाई कर देना जिससे क्या हो कि वीड को ख़त्म किया जा सके, उसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड होइंग। किसमें कहते हैं, पोटैटो और इसके अलावा शुगर केन में भी ब्लाइंड होइंग की जाती है, क्योंकि इन दोनों क्रॉप में क्या होता है, इमरजेंस थोड़ा सा लेट होता है जिससे क्या होता है, वीट पहले निकल आते हैं और अपन वीट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हर्बिसाइड यूज्ड अस ग्रोथ हार्मोन इज। वो कौन सा हर्बिसाइड है जिसका यूज़ ग्रोथ हार्मोन के रूप में किया जाता है, 2,4-D, पेंडीमेथिलीन, एलाक्लोर या मेट्रीब्यूजिन। तो हमारी जो 2,4-D है ये कैसा हर्बिसाइड है अगर जिसको लेस देन 20 ppm, मतलब 20 ppm से अगर कम यूज़ करेंगे तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। ये क्या काम करता है, ये हमारे फल जो है उनको झड़ने से रोकता है, फलों को झड़ने से रोकने के लिए बेस्ट होता है, ये ऑक्सिन हार्मोन है। अगर इसका 20 ppm से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये वीडीसाइड के रूप में, हर्बिसाइड के रूप में काम करता है। अब हम 2,4-D के बारे में देख लेते हैं। 2,4-D की जो खोज हुई थी ये 1944 में USA में हुई थी, डॉक्टर फ्रैंकलिन डी जोन्स ने इसकी खोज की थी। किसने, डॉक्टर फ्रैंकलिन डी जोन्स ने, कब, 1944 में USA में। फर्स्ट वीडीसाइड था ये हमारा, और सेकेंड वीडीसाइड की हम बात करें तो सेकेंड वीडीसाइड था MCPA जिसकी खोज हुई थी 1945 में। 1946 में USA में इसको कमर्शियल लेवल पर यूज़ किया गया था, व्यावसायिक तौर पर इसको यूज़ किया गया था। 2,4-D की खोज हुई थी 1944 में और 1946 में इसको व्यवसाय स्तर पर काम ले लिया गया था, और 1946 में ही यह इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था।
इंडिया में इसको 1946 में ही यूज़ किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट 2,4-D ही एक क्या है, ऑक्सिन हार्मोन है जो कि हर्बिसाइड और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दोनों का काम करता है। अगर इसको 20 ppm से कम यूज़ करेंगे तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, हार्मोन है, और अगर इसको 20 ppm से ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो ये हर्बिसाइड के रूप में यूज़ आता है। अगर इसका यूज़ किया जाता है फलों को झड़ने से रोकने के लिए बेस्ट होता है, लेकिन 20 ppm से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये फलों को झाड़ देगा, मतलब ये नुकसान भी करता है। अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2,4-D। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।